तो दोस्तों अभी 6:30 बज गया और सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखिए उधर लाइन में लगे हुए हैं, तो हम भी जाते हैं। देखिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है, अब अंदर गेला पर ही बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, पर अब बाकी सारा चीज़ अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हेलो दोस्तों, आज फर्स्ट दिन मेडिकल का देकर आ गए। आज डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और हमारे साथ भैया जी हैं, दोनों का डॉक्यूमेंट आज वेरीफाई हुआ और एक्सरे लिया गया, चेस्ट का ब्लड जाँच हुआ और यूरिन जाँच हुआ। बाकी लगभग 12 घंटा सेव अब लग गया आज का दिन, और कल चेक होगा बाकी होल बॉडी। अगर कल फिट हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर अनफिट होंगे तो फिर मुजफ्फरपुर में दोबारा से रीमेड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों जब अंदर गए तो लाइन में लगना पड़ा पहले, फिर जब लाइन में लगे तो वहाँ पास जो SI था वो दे रहा था, मतलब निर्देश दे रहा था कि जिसके पास OBC है या NXR है वही लोग लाइन में लगेंगे। लेकिन मेरे पास एक NXR नहीं था, सिर्फ OBC था जो कि SDO लेवल से था। हम लाइन में लग गए, कहा कि हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा उसको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो हमको इसे टेंशन नहीं था कि जनरल में रहें कि OBC रहें, कहा कि कट ऑफ दोनों का सेम ही रहता है, लगभग 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है। तो हम लाइन में लग गए, जब फिर लाइन में लग गए तो सीरियल नंबर से सबको मिला चेस्ट नंबर, तो मेरा 129 चेस्ट नंबर मिला था। तो जब अंदर गए लाइन में लग के, तो फिर वहाँ पास डॉक्यूमेंट मांगा कि पहले डॉक्यूमेंट दिखाओ, कहा कि डॉक्यूमेंट जिसका सही रहेगा उसी को अभी रखेंगे नहीं तो बाहर फेंक देंगे। तो लगभग 15-16 लड़का था जिसके पास NXR नहीं था, तो सबको बाहर भेजने लगा कि NXR लेके आओ, 3 से 4 दिन में बनवा के आओ NXR लेकर, नहीं तो यहाँ पास लाइन में नहीं लगना। फिर हम मेरे पास आया तो हम भी बोला सर मेरे पास NXR नहीं है, तो बोला कि जाओ घर से बनवा के लेके आओ। अब सोचे कि 3 दिन का टाइम रहा, एक दिन हमको गया जिला आने में लगता, एक दिन में तो बनता नहीं और एक दिन जाने में लगता। तो हम बोले कि सर हम जनरल से फाइट करेंगे, हम मेरे पास NXR नहीं है, हम लाइन में लगेंगे। तो कि बाबू सोच लो, जनरल से फाइट करेगा तो नंबर तुमको ज़्यादा लाना पड़ेगा। कहिए हमें सर उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको जनरल से फाइट करना, कम से कम ये बहाने तो मेडिकल तो चेकअप हो जाता कि कम से कम इस बार पता तो चल जाता कि मेरा मेडिकल में कहाँ पास प्रॉब्लम है ना है। तो हम लाइन में लग गए और जनरल से फाइट करने के लिए। लेकिन जैसे ही जब अंदर गए तो अंदर फिर 8 पेज का एक फॉर्म दिया गया, उसको फॉर्म को फिलअप करवाया गया, बायोमेट्रिक हुआ। फिर उसके बाद हम लोग को बस पे बैठा कर सरकारी हॉस्पिटल जो नरकटियागंज है उसमें लाया गया। वहाँ बस एक्सरे जांच हुआ, फिर यूरिन चेकअप हुआ और ब्लड चेकअप हुआ। ये सब चेकअप कराने के बाद फिर दोबारा कैंप लाया गया, तब वहाँ पास डॉक्यूमेंट मांगा गया। डॉक्यूमेंट में बोला गया कि जिसके पास SDO लेवल का OBC है और 10th का मतलब ओरिजिनल या तो मार्कशीट, मतलब जो बिहार बोर्ड से उसको मार्कशीट ओरिजिनल दोनों चाहिए, और जो CBSE से है उसको सिर्फ मार्कशीट और रेसिडेंशियल चाहिए, बस यही 3 चीज़ मांग रहा था। NXR के बाद में जिक्र भी नहीं किया वहाँ पास कि किसी के पास NXR है या नहीं, जिसके पास था वो दिखा रहा था, मेरे पास नहीं था। तो हमसे पूछा कि NXR, तो बोले NXR नहीं है सर, तो OBC, तो OBC था मेरे पास SDO लेवल का, तो हम दे दिए। तो हमको वहाँ पर OBC में कर दिया। जो बेचारा 15 लोग को जो वापस भेज दिया NXR के लिए, उन लोग के कितना परेशानी हुआ कि एक तो जो समय था उस समय वाला के पहले ले रहा था, जो लड़का बैक डेट वाला आ रहा था मतलब कि NXR बनवा के 2-3 दिन बाद आ रहा था, उन लोग को पहले बैठा ले रहा था, पहले जो ऑन टाइम वाला था उसको पहले करवा रहा था और जो बैक डेट वाला था उसको बाद में करवा रहा था। मतलब लड़का लोग पहले घर जाएगा, फिर वहाँ भाग दौड़ करके NXR बनवाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा और आने के बाद यहाँ NXR जमा करेगा, उसको भी धूप में बैठा कर साइड में छोड़ देता था बैक डेट वाला। हम लोग कम से कम तो टेंट में बैठाए हुए था, लेकिन जो बैक डेट वाला उसको ऐसे बैठा कर छोड़ दे रहा था, सबसे लास्ट में ले रहा था। तो उसके बाद वहाँ पास तो मतलब मूल रूप से वहाँ पास डॉक्यूमेंट में लिया गया OBC जो SDO लेवल का था, रेसिडेंशियल जो बिहार सरकार के बना हो RO लेवल का, और मैट्रिक का मार्कशीट और ओरिजिनल जो CBSE के नहीं है बिहार बोर्ड के उनके लिए मार्कशीट और ओरिजिनल दोनों, और जो CBSE के थे उसको सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट चाहिए था और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, इतना ही मांग रहा था। और ओरिजिनल में देख रहा था आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और 10th क्लास का जो मार्कशीट है या फिर ओरिजिनल है एक ओरिजिनल होना चाहिए, उसका एक एक फोटो कॉपी ले रहा था और 2 फोटो ले रहा था। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकअप हुआ, सारा चेकअप हुआ, उसके बाद फिर हम लोग को बाहर छोड़ दिया गया। लगभग 12 घंटा के आसपास रख लिया था, सुबह मतलब 6:30 में एंट्री लिया था और शाम के लगभग 7 बजे के आसपास बाहर निकाला था। फिर बीच में वही खाने के लिए दिया था, मतलब केला दिया था जो कि 40 रुपये दर्जन केला था, 5 रुपये वाला बिस्किट जो मतलब पैसा दे कर लेना था, और पानी बोतल 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, 3 ढंग का पानी बोतल था, मतलब छोटा थोड़ा सा बड़ा थोड़ा उससे भी बड़ा। और रात में मतलब 2 बजे के आसपास खाना दिया और फिर एक बार 8 बजे के भी खाना था, मतलब 2 टाइम खाना दे रहा था, जिसको दोपहर में तो सभी लोग खाया लेकिन रात वाला में कोई खाया कोई ना भी खाया। 35 रुपये में खाना दे रहा था भर पेट, खाना में था छोला और चावल। तो छोला में तो मतलब किसी किसी लड़कन का चलाने वाला दम अच्छा नहीं था, चलाने वाला किसी किसी को एकदम पूरा छोला दिया, किसी को खाली ऊपर से पानी, चना था भी नहीं गायब। और एक शाम में मिल रहा था राजमा चावल, तो उसमें भी वही सिस्टम था, हम लोग दोनों टाइम खाना खाए थे, एक किसी को एकदम राजमा भर डब्बू मिला, किसी को राजमा के जगह खाली पानी मिल गया।
डॉक्यूमेंट मेनली यही लिया, ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, बाहर लिख पूरा एकदम तामझाम करता है कि नहीं एनेक्सर रहेगा तभी लाइन में लगना, नहीं रहेगा तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे निकाल देंगे बाहर भेज देंगे, मतलब पूरा ऐसे करते रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कनेक्शन, बस खाली वहाँ पास यही बोलना है कि हमको पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड है, हमको जनरल से फाइट करना, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एंट्री ले लेता है। लेकिन अगर आप डर गए बोले कि ठीक है हम बनवा के आते हैं नेक्सर, तो फिर आप लटकले रह जाएगा, आपको परेशानी अलग बढ़ जाएगा। अभी जान लीजिए ओबीसी और जनरल का कटअप जाता है, हाँ मानते हैं कि एक दो नंबर मायने बहुत रखता है, लेकिन मेरे को पहले से डाउट था कि मेडिकल में अगर कुछ दिक्कत कर दे या पहले हो या ना हो, इसलिए हम चल गए अंदर ही। तो आज हम लोग का एक्सरे हुआ, ब्लड जांच हुआ, यूरिन चेकअप हुआ और डॉक्यूमेंट चेकअप हुआ, और बाकी अगले दिन होल बॉडी चेकअप होगा। तो अगले दिन हम वीडियो में बताएं कि आज बॉडी में क्या क्या चेकअप लिया, और हम डिटेल से बताएंगे।